मटन कोफ्ता रेसिपी। तो मटन कोफ्ता रेसिपी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आप देख सकते हैं मेरा आधा किलो कीमा लिया है, ये बारीक कीमा है, इसे मैंने धोकर छान लिया। और एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। और हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, एक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये 4 हरी मिर्च लिया मैंने, इसे बारीक काट लिया। अब इन सभी चीज़ों को करेंगे इसके अंदर मिक्स, कीमे में ऐड कर देंगे, ये मसाले भी ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से हाथों की मदद से सहायता से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बेसन इसमें स्किप कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, तो आप ये देख सकते हैं मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सरसों का ऑयल, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूँगी, जब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने तकरीबन 3 प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का। एक कुकर लेंगे, इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसाला में मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा ऑयल। मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसके अंदर ताकि हमारा प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। तो आप इस तरीके से मिक्स कर लें, ये हमारा कोफ्ता का मसाला बनेगा। अब हम इसमें 2 सीटी ले आएंगे। चलिए इसे 2 सीटी ले आते हैं। तो चलिए अब हम अपना कीमा देख लेते हैं। ये देखें, अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैं नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ इस तरीके से। पहले इसे अच्छे से इस तरह से प्रेस करके दबा लें और फिर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप इसे गोल कर लें। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा कोफ्ता रेडी है बिल्कुल। इस तरह से प्लेट में रख लेंगे, बाकी को भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाते हैं। ये देखें बनके हमारा कोफ्ता रेडी है, इसी तरीके से सभी को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी को बना लिया। देखें ये हमारा कोफ्ता रेडी है। चलिए पका लेते हैं। 2 सीटी हमारा लग चुका है प्याज के अंदर मसालों में। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखें इसका टेक्सचर। अब हम इसे, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे पलट लेंगे कढ़ाई में। चलिए पलट लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे कढ़ाई में पलट लिया। अब ये हमारा कोफ्ता, इसे थोड़ा सा यूं करेंगे और सभी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से मसालों में डाल देंगे।
ये देखें इस तरीके से सभी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने सारे कोफ्ते मसालों में ऐड कर दिया। अब मैं इसे ढक दूँगी अच्छी तरीके से और गैस ऑन करके इसको चढ़ा दूँगी। तो ये देखें मैंने गैस ऑन करके हाई फ्लेम पे इसे मैंने चढ़ा दिया ढक के, और हम इसे 5 मिनट बाद खोलेंगे। बीच में नहीं खोलेंगे नहीं तो हमारा कोफ्ता टूट जाएगा। तो चलिए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। 5 मिनट हो चुका इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा पानी है। हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो चलिए इसे ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुका अब इसे हम फिर से खोल के देख लेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से हम खुश कर लेंगे एकदम भून लेंगे जब तक बढ़िया सा ऑयल छोड़ दे और खुशबू छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं इस स्टेज पे मैं एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढक के पकने देंगे। तो चलिए 5 मिनट बाद इसे खोल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पानी खुश हो चुका है, मतलब कि ये भुनने के स्टेज पे आ चुका है, लेकिन अब इसे और भुनेंगे। अभी इस स्टेज पे आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने बारीक पुदीना काट लिया, मैंने पुदीना ऐड कर दिया और इसके अंदर और ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। अब हम इसे करेंगे मिक्स अच्छे से। अब मैं अगर कोई सा भी मीट बनाती हूँ या मटन बनाती हूँ तो मैं ऊपर से डालती हूँ ताकि इसका खुशबू पकाते समय उड़ ना जाए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा कोफ्ता रेडी है। अभी हम इसे और 5 मिनट पकाएंगे। चले इसे ढक देते हैं लो मीडियम पे, फिर पकने देते हैं ताकि हमारा ऑयल छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोफ्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑयल छोड़ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। आपको जितना सोडवा चाहिए आप अपने हिसाब से उतना पानी डाल दें इसके अंदर। ये देखना मैं इसे सोडवा वाला बना रही हूँ, मैं इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। आप इसे वैसे सूखा भी रख सकते हैं। ये देखें हमारा ग्रेवी तैयार है। अब हम इसे बॉयल आने तक पका लेंगे, इसे ढक देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारा कोफ्ता बनके रेडी है। आप चाहें तो आप इसे सूखा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। मुझे ये कोफ्ता मैं इसे चावलों के साथ खाऊंगी इसलिए मैं इसे शोरबा वाला बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं इसे डिस आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इसे डिस आउट कर लिया और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। आप मेरे स्टाइल में बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं, झटपट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये कोफ्ते। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना आसान और कितना सिंपल तरीके से झटपट बना लिया। आप भी इसी तरीके से बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।